आपने सफाई योजना की बात तो होते हुए कई बार सुना होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। सफाई योजना और औरतों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए आनंद जिले के पेटलाद नगर में नगर निगम ने एक अनोखी पहल की है। नगर निगम ने सैनिटेशन वेस्ट एकत्र करने के लिए ऑन फोन ई रिक्शा की शुरुआत की है। ये ई रिक्शा घर घर जाकर सैनिटेशन वेस्ट इकट्ठे कर बिना प्रदूषण फैलाए उसका निपटान करती है। नगर निगम ने एक नंबर जारी किया है जिसके चलते स्थानीय महिलाओं को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आनंद जिले में स्थित पेटलाद नगर निगम ने महिलाओं के उपयोग किए जाने वाले सैनिटरी पैड और बच्चों के डायपर को नष्ट करने का तरीका ढूंढ निकाला है। सैनिटरी पैड और डायपर को नष्ट करने के लिए इनसेनेटर का इस्तेमाल होगा। इस मुहिम में भूमि प्रदूषण और वायु प्रदूषण पर रोक लगेगी। जानकारी के मुताबिक 20 से 25 पेड़ जलाने के बाद सिर्फ 1 से 2 ग्राम ही राख निकलती है। मुहिम से जुड़ी हुई हीरल ठाकर से बात करने पर उन्होंने अपना अनुभव साझा किया और ऑन फोन ई रिक्शा से लोगों में जागरूकता फैलाने के बारे में जानकारी दी। बींग अ लेडी ऑफिसर, मुझे ये ख्याल आया कि घरेलू कचरा में सबसे हानिकारक चीज जो होती है वो डायपर्स और सैनिटरी नैपकिन्स रहते हैं, और इसका हम लैंड में या जमीन में निकाल भी नहीं कर सकते क्योंकि ये लैंड पोल्यूशन बढ़ाता है। 400 साल तक ये जमीन में ऐसा ही पड़ा रहता है, तो इसका वैज्ञानिक ढंग से निकाल करने का एक ही तरीका रहता है, वो है इसको इंसिनरेट कर देना। पेटलाद है वो पहली म्यूनिसिपालिटी है पूरे भारत भर में और गुजरात में भी कि ये जो हम सैनिटरी नैपकिन्स और डायपर्स ऑन फोन कॉल हम इकट्ठा करते हैं और हम इसका वैज्ञानिक ढंग से निकाल करते हैं, तो ये पहली म्यूनिसिपालिटी है। डस्टबिन में बाहर पड़े रहते थे, उसको गाय डस्टबिन में से निकाल देती थी, फिर रास्ते पे ऐसे कुत्ते उसको खींच के लेके जाते थे, तो पूरा शहर गंदा ज़्यादा दिखता था। इसलिए हमने फिर डायपर के लिए एक बड़ा इंसिनरेटर बनवाया और उसका भी हम इसी तरीके से निकाल करते हैं और इंसिनरेट करते हैं। पेटलाद नगर निगम के इस अभियान में एक दंपत्ति समेत कई महिलाओं को रोजगार भी मिला है। घर घर जाकर सैनिटेशन वेस्ट एकत्र करने के लिए ई रिक्शा के साथ एक दंपत्ति को नियुक्त किया गया है जिसमें पति रिक्शा चालक है और उनकी पत्नी इलाके से वेस्ट एकत्र करती हैं। इलाकों से कॉल आने पर दंपत्ति वेस्ट एकत्र करने पहुंच जाते हैं। वो मेरे को सोसाइटी में से कॉल आता है, 200-300 कॉल आता है दिन में, तो मैं घर पे पहुंचती हूँ उनके पास 10 मिनट में, वो लेके जमा करके उन लोग के पास साइन कराती हूँ, फिर जाती हूँ मशीन में जलाती हूँ, उसका नाश कर देती हूँ। और वो सब सोसाइटी में जाते हैं हम लोग, तो फिर सोसाइटी सब कॉल आते हैं हम लोग पे, तो जाते हैं हम लोग, फिर लेके उसको मशीन में जाते हैं हम लोग, फिर उसको नाश करते। वो आप अन्य महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को हम लोग बोलते हैं कि जो ये तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा है, तुम लोग के लिए अच्छा है, ये सब अच्छी चीज़ है जो हम लोग नाश कर देते हैं, सब कीटाणु वीटाणु रहते हैं उनमें, इसलिए जला देते हैं, उस पर नाश कर देते हैं हम लोग, तो नगर पालिका ने जो निकाला है जो, वो सबके लिए अच्छा है और ये गांव के लिए भी अच्छा है, शहर के लिए भी। आप कौन कौन काम करते हो? मैं और मेरे हस्बैंड। अब दोनों ये काम? हाँ, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। इस योजना के चलते शहर में अलग अलग हिस्सों में सैनिटेशन वेस्ट डस्टबिन भी लगाए गए हैं और शहर के हर एक वार्ड में दो दो महिला कर्मचारी नियुक्त की हैं, जो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक घर घर जाकर सैनिटेशन वेस्ट एकत्र करती हैं। इस मुहिम की वजह से पेटलाद नगर की स्थानीय महिलाएं भी कर्मचारियों का सहयोग कर रही है। हमारे लेडीज के लिए या बच्चों के डायपर के लिए जो भी ये सुविधा इन्होंने जो उपलब्ध की है वो हमारे पेटलाद नगर पालिका के लिए बहुत अच्छा है, और हमारे एरिया और सब जो पर्सनली जो लेने जाते हैं और हम फोन करके भी उनको बुलाते हैं तो वो तुरंत चले आते हैं हमारे यहाँ, और हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है कि ये जो गंदगी जो आजू बाजू में जो डायरेक्ट डालते थे और जो कुत्ते लोग उठा के चले जाते और उसकी वजह से जो गंदगी होती थी उससे हमको मुक्ति मिली है, और उसकी वजह से हमारा पेटलाद अच्छा दिखता है, और हमारे बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा है
कि भाई उनको कहीं दिखे नहीं, और लेडीज लोगों को ही शर्म नहीं होनी लगती कि भाई ये अलग से पड़ा है और ये दिखता है और ये खराब दिखता है। तो उसकी वजह से जो इन्होंने ये टैंपी अलग से निकाली है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। इस अभियान में पुरुष सफाई कर्मचारियों की पत्नियों को जोड़ दिया गया है। अच्छी बात यह है कि जो महिलाएं पहले गृहिणी थी वो भी काम कर रही हैं। पूरे गुजरात में सिर्फ पेटलाद नगर निगम ने एक साल पहले इस अभियान की शुरुआत की और आज ये अभियान सफल हुआ है, जिसके लिए पेटलाद नगर निगम को हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड दिल्ली ने वेस्ट प्रैक्टिस इन सैनिटेशन का अवार्ड दिया है। आसान नहीं होता कि किसी के इस्तेमाल किए गए डायपर और सैनिटरी पैड उठाना। शुक्रिया कहिए इन महिलाओं को जो हर रोज सैकड़ों घरों का वेस्ट उठाती हैं, ताकि आपकी और हमारी आने वाली पीढ़ी साफ हवा में सांस ले सके।